Hey everyone, this is Neha Gupta Recipes channel. Welcome you all. और आज मैं लेके आई हूँ केक सजाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले. तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको मिरर ग्लेज केक, जिसका रिफ्लेक्शन आप मेरे केक पे देख सकते हो, जिसे ज़्यादातर बनाया जाता है जिलेटिन डाल करके या अगर अगर. इसे मैं बिना जिलेटिन बिना अगर अगर के बनाने वाली हूँ. ये चॉकलेट मिरर ग्लेज केक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. मैंने यहाँ पे एक बेसिक चॉकलेट केक लिया है. बेसिक चॉकलेट केक हम कैसे बनाएंगे इसका रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप वीडियो के एंड में भी केक का रेसिपी देख. केक को बीच से हम कट कर लेंगे, किसी भी नाइफ से आप इसे कट कर सकते हो. बहुत ही आसान है इसे कट करना. साथ ही इस वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ एक चॉकलेट केक को सजाने के लिए, जो कि आपको हर वीडियो में नहीं मिलेगा. बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है. तो इस रेसिपी को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें. तो ये देखिए, जो चॉकलेट केक है मेरा बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है. चलिए अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं. तो एक बेसिक केक को सजाने के लिए हमें उसे क्या करना रहता है, पहले एक ठंडा पानी लेते हैं और उसमें चीनी डाल करके भी आप इसे शुगर सिरप से कोट कर सकते हो. लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो चॉकलेट सिरप आता है उसे हम पानी में डालेंगे. तो बिल्कुल हाफ कप ठंडा पानी लेंगे, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे और उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से. उसके बाद ब्रश की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसे हम केक के ऊपर कोट करेंगे. इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, जब भी हम कोई क्रीम वाला केक बनाते हैं उसे हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखना पड़ता है. अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करोगे तो जो केक है आपका वो हार्ड हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर मैं चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ पानी में डाल के, और इससे केक का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है गाइज. इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमें ये सिरप को केक के ऊपर अप्लाई करना है. अगर आप नॉर्मल वनीला केक बना रहे हो तो उसका रेसिपी मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला था कि उसे हमें कैसे सजाना है, वो भी जुगाड़ वाले तरीके से. तो वो भी वीडियो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा. तो ये देखिए, चॉकलेट सिरप जो मैंने बनाया है उसे हम इस तरह से स्पेशली साइड्स में अच्छे से लगाएं, क्योंकि साइड जो केक का होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. तो पूरा अच्छे से हमें सिरप को दोनों केक के ऊपर लगा देना है. इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बीटर का यूज़ करके बताने वाली हूँ कि इससे हम केक को क्रीम को कैसे बीट करेंगे. इसके लिए हमें जो बाउल चाहिए वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, साथ ही इसमें हमें आइस क्यूब्स भी चाहिए. और उस बॉल को आइस क्यूब्स के आप ऊपर रखें, और जो अटैचमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक बीटर का उसे भी हम चिल्ड कर लेंगे. विस्कर से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हाथ से क्रीम को कैसे बनाएंगे, तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. तो चलिए हम यहाँ पे क्रीम ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है, तो वो हम ले लेंगे लगभग 1 कप. अब इसे हम पहले लो फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे. क्रीम को अच्छे से हम व्हिप करेंगे. क्रीम जब आपको थोड़ा सा थिक नजर आने लगे, इस टाइम यहाँ पे हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे. मैंने नॉर्मल जो चीनी हम घर पे यूज़ करते हैं उसे मिक्सी में डाल के मैंने पीस लिया है और उसका पाउडर बना लिया है. तो यहाँ पे मैं 2.5 बड़ी चम्मच पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ. साथ में इसमें हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे. चॉकलेट एसेंस नहीं है तो यहाँ पे आप वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपका जो क्रीम है वो मीठा है तो यहाँ पे चीनी जो है वो आप नहीं ऐड करोगे. तो क्रीम को हम फिर से व्हिप कर लेते हैं. क्रीम को हम लगातार इसी तरह से चलाते हुए व्हिप कर लेंगे. और एक टिप यहाँ पे मैं आपको और देने वाली हूँ. मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ डेरी मिल्क, जिसे मैंने हल्के गुनगुने पानी में डाल करके पहले से ही रख दिया था. ये एक दूसरा टिप है जिससे बनता है केक आपका बहुत ही टेस्टी. तो ये देखिए, मैंने 10 रुपये वाला डेरी मिल्क लिया है और इसे हल्के गनगने पानी में मैंने डाल के रख दिया था. इससे क्रीम जो है अंदर का जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगा. उसके बाद इसे हम क्रीम में ऐड करेंगे. और बिलीव मी गाइज, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इससे जो क्रीम का टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और बहुत 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 टेस्टी लगता है. लेकिन अगर आपको थोड़ी सी क्रंचीनेस चाहिए क्रीम में, तो आप जो डेरी मिल्क है उसे हल्का ही मेल्ट होने दें, उसके बाद ही इसमें ऐड करें. लेकिन ध्यान रहे, जो डेरी मिल्क है वो बहुत ज़्यादा हॉट गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रीम
हमारा अच्छे से विप नहीं होगा। तो ये देखिए क्रीम हमारा बिल्कुल परफेक्टली विप्ड हो चुका है और ये गिर भी नहीं रहा है। देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा से विप हो चुका है, ये देखिए ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए रख देते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ और आपको इसमें डेरी मिल्क के कुछ टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, ये मुझे चाहिए था, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आता है। तो इस क्रीम को हम केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। विदाउट टूल आप कैसे केक को सजा सकते हो, विदाउट स्पैचुला, विदाउट जो केक सजाने का जो टूल्स आता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप केक को कैसे सजा सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसा, तो वो आप मेरे लास्ट वीडियो में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए केक के ऊपर हम इसका दूसरा लेयर लगा लेते हैं और इसके ऊपर भी व्हिप्ड क्रीम हम लगा लेंगे। तो पहले थिन सा लेयर हमें लगाना है, चारों तरफ स्पैचुला की हेल्प से हम इस तरह से केक को क्रीम से कोट कर देंगे। ये केक खाने में बहुत बहुत टेस्टी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आता है कि क्रीम का फ्लेवर और इसमें जो डेरी मिल्क आपको इसकी जो क्रंच मिलेंगे ना डेरी मिल्क के, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए क्रीम को मैंने एक पतले से लेयर से सेट कर दिया क्रीम से और इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया है, लगभग 15 या 20 मिनट्स के बाद इसे आप निकाल लें। फिर से मैं इसके ऊपर एक कोट और लगा रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप जितना मन है उतना ही क्रीम लगाएं। मैं यहाँ पे डबल कोट क्रीम लगा रही हूँ। इसी तरह से हम पूरे केक में फिर से क्रीम को एक बार रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे रेसिपीज़ को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अब इस केक को मैं फिर से फ्रिज में रख देती हूँ लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब मिरर ग्लेस केक बना रहे हैं तो उसके लिए तो हमारी और भी तैयारी बाकी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप कोई सा भी क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रीम है उसे आपको पहले से ही फ्रिज से निकाल के रख लेना है, यानी कि उसे हमें लिक्विड फॉर्म में लेना है। क्रीम को थोड़ा हम कुक कर लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग एक चम्मच बटर डाला है। मैंने यहाँ पे अमूल बटर का यूज़ किया है, आप कोई सा भी बटर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें आपको साइड्स में बबल्स नज़र आने लगेंगे, इसका मतलब जो क्रीम है वो अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत देर तक क्रीम को कुक हमें नहीं करना है, ऑलमोस्ट लगभग ये थोड़ा सा जब आपको थिक नज़र आने लगे तब। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैंने चॉकलेट एसेंस यूज़ किया है, आप यहाँ पे वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि केक में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा चीनी हो चुका है, तो केक हमारा इससे बैलेंस रहेगा। तो ये देखिए फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था 15 मिनट के लिए और आफ्टर 15 मिनट इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप बीट रूट को भी यूज़ कर सकते हो, बीट रूट का जूस निकाल के वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए दूसरे कलर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल केक अभी हमारा चिल्ड है और इसके ऊपर जो ये मैंने मिरर बैटर बनाया है ग्लेज लाने के लिए, वो इसके ऊपर अब हम डालेंगे, सेंटर में इसे घुमाते हुए डालेंगे और इससे बहुत ही अच्छा पैटर्न आता है केक के ऊपर और केक हमारा एक्सट्रीमली डिलिशियस बन जाता है, बिल्कुल बेकरी जैसा। और मिरर ग्लेस केक बनाना अब बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें मैंने कोई जेलेटिन, कोई अगर अगर का यूज़ नहीं किया है, ना ही जेल कलर यूज़ किया है, नॉर्मल जो कलर हम फूड कलर जो मिलता है वो मैंने यूज़ किया है, वो भी डाल करके आप मिरर ग्लेस केक बना सकते हो घर पे। और ये बहुत ही अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन आता है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि हमारा मिरर ग्लेस केक कितना अच्छा बना है। तो ये देखिए इस तरह से हम बचे हुए बैटर को साइड में भी डाल लेंगे और जो साइड वाले हैं उसे आप स्पून की हेल्प से निकाल सकते हो और से स्टोर करके रख सकते हो। तो आप देख रहे हो इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें मेरे हाथ भी नज़र आ रहे हैं, तो कितना अच्छा सा एक मिरर ग्लेज आया इसके ऊपर, केक के ऊपर बिना जेलेटिन के, बिना अगर करके, और जो पैटर्न आया है केक के ऊपर वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है।
कैसा लगा आपको मेरा आज का ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। अब इस केक को मैं डेकोरेट कर लेती हूँ होममेड पैकिंग बैग से। बिना कोई नोज़ल के ही आप इस पाइपिंग बैग से बहुत ही अच्छा केक डेकोरेट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर भी फ्लावर बना ले रही हूँ और बहुत ही सुंदर बन जाता है। इसे बिना कोई नोज़ल के भी आप इसकी बहुत ही अच्छा केक सजा सकते हो। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। बिल्कुल नोज़ल जैसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन विदाउट नोज़ल भी आप होममेड पाइपिंग बैग से ऐसा इफ़ेक्ट ला सकते हो जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसके ऊपर हम थोड़े से सिल्वर बॉल्स या गोल्डन बॉल्स, तो मैंने इसे फाइनली चेरी से भी डेकोरेट कर दिया है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलिए इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ हमारा मिरर ग्लेज केक कैसा बना है। तो रेडी है हमारा चॉकलेट मिरर ग्लेज केक। वाह, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, बहुत ही यम्मी लगा था। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है किड्स आर्ट एंड क्रिएशन। अगर आपको स्केचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है या आपके घर में बच्चे हैं तो मेरे उस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।